hello everyone myself dr sandhya assistant professor of physics from department of higher education haryana india today we will discuss about wave function condition of normalization and orthogonality uh, first of all we will discuss about wave function the trajectory of the particle is defined by the wave function psi of xt if the magnitude of the psi is large then probability of the finding the particle in the region will be large and the probability of the finding the particle will be small if the magnitude of the wave function is small तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वे फंक्शन है वो हमारे लिए यूजफुल कहाँ है और एक्चुअल में ये है क्या तो वे फंक्शन है वो एक तरह से पार्टिकल जो होता है जैसे हम एक हमने अब तक जैसे किया था वो था हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स ठीक है अब हम करते हैं तो इसके बारे में क्वांटम मैकेनिक्स तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप पार्टिकल नेचर के बारे में बात करते हैं ठीक है आपने अब तक जैसे किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया कॉम्प्टन इफेक्ट किया आपने अनसर्टेनिटी uh, प्रिंसिपल किया उसके बाद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वो भी पढ़ा तो ये सारे चीज हैं वो एक तरह से वेव नेचर से रिलेटेड होती हैं ठीक है ड्यूल नेचर ऑफ वेव के बारे में भी आपने पढ़ा है तो एक तरह से पार्टिकल का जो मतलब ट्रेजेक्ट्री है वो डिफाइन होती है किससे वेव फंक्शन से

द फाइंडिंग द पार्टिकल वो क्या होगी स्मॉल होगी ठीक है तो एक तरह से वे फंक्शन है वो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल की इंफॉर्मेशन हमें देता है सेकेंड थिंग सॉरी सेकेंड थिंग क्या है कि जो पार्टिकल्स है

तो मतलब क्वांटम uh, मैकेनिक्स है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक तरह से वे फंक्शन की हेल्प से सॉल्व uh, की जाती है ठीक है uh, और ये आइडिया दिया किसने था इरविन इंद्रॉडें जी ने दिया था इन नाइनटीन

अगर साई हमें क्या देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल तो प्रोबेबिलिटी तो हमारी क्या होती है रियल एंड पॉजिटिव होती है ठीक है तो आप क्या कहोगे कि भाई सिंगल अगर हम साई की बात कर रहे हैं तो साई का कोई

Give the the position, बाद में लेते हैं तो वो हमें एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इन्फॉर्मेशन देता है ठीक है अब जो साइज स्टार है वो आपके लिए थोड़ी सी न्यू टर्म है साइज स्टार है वो क्या है आपका एक तरह से हाँ साइज स्टार है वो अपना क्या है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट है किसका साई का ठीक है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट क्या होता है जैसे हमने अभी कहा कि भाई साई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में हमारा क्या होगा रियल पार्ट भी होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा ठीक है तो आपको सिंपल क्या करना है कि जो जो आपको इमेजनरी पार्ट है उस फंक्शन के अंदर ठीक है उसका क्या करना है आपको साइन चेंज करना है ठीक है आप क्या कहते हो जैसे हम ले रहे हैं एक्स प्लस आइटा वाई ठीक है तो आप क्या लोगे जो मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे उसमें आप आइटा की जगह पे माइनस आइटा से उसको रिप्लेस कर दोगे ठीक है और फिर उन दोनों का हमने क्या करना है प्रोडक्ट लेना है अब हमें क्या मिल सकती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर दैट सिस्टम ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ द दर एन टी इज गिवन बाई ठीक है साई si है वो जनरली हमारा फंक्शन होता है किसका आर एन टी का मतलब क्या हुआ स्पेस कोऑर्डिनेट हो गया और आपका टाइम कोऑर्डिनेट हो गया तो पी ऑफ आर टी इज इक्वल टू साई स्टार आर टी एंड साई ऑफ आर टी ठीक है आपने स्टार ले लिया अभी हमने बोला ना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स ठीक है फर्स्ट वन आपका जो मतलब साई का जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन uh, होगा कॉम्प्लेक्स uh, कॉन्जुकेट होगा एंड सेकेंड थिंग क्या है जो आपका साई ओरिजिनल है ठीक है दोनों की हम क्या लेंगे प्रोडक्ट लेंगे और वो हमें क्या गया मैग्नीट्यूड ऑफ साइज स्केयर लिख सकते हैं आप उसके बाद ये तो हो गया सिंपल कि भी प्रोडक्ट से आप उसको डिफाइन कर सकते हो फिर अगर आप मतलब किसी एक वॉल्यूम इंटीग्रल की आप बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे पी ओफ आर टी इक्वल टू साइ ऑफ आर टीयर एंड ठीक है आपका क्या हो गया भाई जिस वॉल्यूम को आप स्टडी कर रहे हो उसको आपने उसके साथ लगा दिया ठीक है आगे आप क्या कर सकते हो अगर पूरे वॉल्यूम एक छोटे से एलिमेंट के लिए बात कर रहे हो तो आपका क्या हो गया डीवी हो गया ठीक है अगर आप पूरे स्पेस की बात करना चाहते हो तो सिंपल सी चीज है आपको क्या करना बस इंटीग्रेट कर देना है ठीक है फोर फोर ए कंप्लीट सिस्टम प्रोबेबिलिटी विल बी यूनिटी आपकी जो मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो क्या होती है आपकी यूनिटी होती है ठीक है उसके बाद uh, है नोबलाइजेशन कंडीशन अभी हमने कहा कि साई साइज स्टार एंड वो हमें क्या देगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इंफॉर्मेशन देगा ठीक ठीक है? है, है? वो हम कह सकते हैं जो भी आप वॉल्यूम लेके चल रही हो तो वहां से हम क्या कहेंगे साई साइज स्टार एंड डीवी हमें क्या होगा एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग वॉल्यूम वो इन्फॉर्मेशन देगा वैन पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स जैसे आप अब क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे हो तो हम जनरली बात करते हैं वर्ड हम यूज करते हैं फ्री पार्टिकल ठीक है फ्री पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर कोई भी किसी भी टाइप की फोर्सेस हैं वो एक्सपीरियंस नहीं की की हुई ठीक है या फिर हम कह सकते हैं कोई भी कंस्ट्रेंट उसके ऊपर नहीं अप्लाई किया हुआ कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मोशन है आपने उसके ऊपर कोई कंडीशन है वो लगा दी थी, ठीक है तो वो अब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग है वो मूवमेंट करेगा ठीक है तो इन्होंने कहा कि व्हेन मैंने पार्टिकल एक्सपीरियंस एनी फोर्स <clears throat> for जैसे अभी बोला मैंने की फ्री पार्टिकल का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स आपने अप्लाई नहीं किए हुई ठीक है ये तो हो गया फ्री पार्टिकल अब अगर कोई भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो पार्टिकल के ऊपर जैसे इन्होंने एग्जांपल दे दिया कि <clears throat>

उसके बाद सेकंड एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जैसे कोई भी पार्टिकल है वो कन्फाइंड है किसी बॉक्स के अंदर ठीक है आपने पोटेंशियल वो जो वॉल्स होंगे वो एक तरह से एक पोटेंशियल आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो पार्टिकल है वो बाहर नहीं जा सकता तो हम क्या कहेंगे द पार्टिकल इज कन्फाइंड इन ए बॉक्स विद नॉन पैनेट्रेबल वॉल्स ठीक है उस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उन को क्रॉस कर द स्पेस इज गिवन सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सच दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम विल बी यूनिटी ठीक है, है, है cases, the the unity, तो इस में हम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस टाइप का लेंगे कि भाई हमें टोटल प्रोबेबिलिटी है को हमें क्या मिले यूनिटी मिले ठीक है जैसे हमने क्या कहा कि साइ साइज केयर एंड डीवी जो हमारा क्या होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी ओवर द इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी एंड टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारी मैक्सिमम क्या होती है वन होती है ठीक है तो हमने कहा कि भाई इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है जहां पे हम कह रहे हैं कि भाई कोई फोर्स आपने लगाई हुई है किसी पार्टिकल के ऊपर या फिर कोई पॉलिटिकल है कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम एक तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो इस टाइप का लेंगे कि हम क्या कहेंगे कि भाई जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी आपकी यूनिटी होनी चाहिए <coughs> मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिकली क्या होगा एंड डी वी इज इक्वल टू जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन कर देंगे अगर हम पूरे वॉल्यूम में अगर वो चाह रहे हैं तो ठीक है डी वी इज इक्वल टू साई स्टार साई आर टी एंड साई स्टार आर टी एंड साईओं डी वी ठीक है एंड दैट शुड इक्वल टू वन

ठीक है इक्वल टू वन तो ये हमें कंडीशन क्या देता है साइड डिपेंड दैट इज आर एंड टी हम हमें, कोई भी देता है, कोई हमें दे दिया तो हमें सिंपल करना क्या है हमें उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट और जो वेव फंक्शन है उन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है और इंटीग्रेट कर देना है जो भी हमें वॉल्यूम दी हुई है जो भी लिमिट हमें दी हुई है

फंक्शन है एएसआई si, वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए ए है वो हमारा क्या होगा सिंपल कॉन्स्टेंट है तो अब हमारी हम क्या करेंगे एएसआई si के साथ हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए अब हमारा जो मेन काम होगा वो ए की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा और ए यहाँ पे क्या है हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ठीक है तो आपको सिंपल करना क्या है कि आपका वेव फंक्शन जो भी था आपको उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है अब ए जब कांस्टेंट है तो उसके ऊपर मतलब आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने जो न, साई स्टार लिया है तो उसमें भी सिंपल साथ में ए आएगा ठीक है और आपका ए साई था ही जो एक्चुअल में आपने अब आप मॉडिफाई किया है अब आप कहोगे कि भई <clears throat> ए के मल्टीप्लीकेशन के साथ हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए तो आप क्या करोगे ए साई स्टार आर ऑफ टी ए साई ऑफ आर टी डी वी इज इक्वल टू वन ठीक है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हमारी यही है कि जो भी वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्चुकेट होगा जो भी आपका वेव फंक्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू और इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम आपका क्या होना चाहिए इक्वल टू वन आना चाहिए ठीक है फिर आप क्या करोगे अब ए तो कॉन्स्टेंट है तो उसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से तो ये क्या हो गया आपका और साथ में आपका क्या हो गया साइज साइज स्टार और डीवी को आप क्या लिख सकते हो कि भाई आप जनरली थ्री डायमेंशन में बात करते हो जब वॉल्यूम की बात कर रहे हो ठीक है तो आप क्या लोगे यहाँ पे आप लिखोगे डीएक्स डीवाई एंड डी जेड इज इक्वल टू वन हो गया ठीक है तो आप यहां से क्या सकते कर सकते हो ए स्केयर है वो फाइंड आउट कर सकते हो ए स्केयर क्या हो जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाई जो भी आपका बचा हुआ जो भी पोर्शन है से अलग इंटीग्रेशन ऑफ साइज साइज डी जेड ठीक है अब हम ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे वन डिवाइडेड बाई दस इंटीग्रेशन और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी ए स्केयर की मिल जाएगी ए स्केयर की मिलगी तो हमें क्या करना है सिंपल अंडर रूट ले लेंगे हम इसका स्केर रूट कह सकते हैं ठीक है तो फिर

क्या होगा नॉर्मलाइज्ड वी फंक्शन उसके बाद आती है बात किसकी कंडीशन ऑफ ऑर्थोबनलिटी ठीक है द द वेव फंक्शन और आइगन फंक्शन टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल एंड आइगन वैल्यूज आर रियल ठीक है uh, जैसे आपका जो मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है है ठीक उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी सोल्यूशन होगा उसको हम क्या कहते हैं आइगन फंक्शन ठीक है उसके बाद आप कोई ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई करते हो तो फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होंगी हम उनको क्या कहते हैं आइगन वैल्यूज होंगी ठीक है और अगर आप इस टाइप के वेव फंक्शन ले रहे ठीक है जिनके uh, जो हैं वो क्या कहा इसने डिफरेंट है ठीक है आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल एंड आइगन आइगन वैल्यूज आर रियल ठीक है तो ये वैल्यूज हैं वो क्या होने चाहिए रियल होने चाहिए तो आप आइगन uh, जो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगेनलिटी की बात करोगे उसमें आप क्या लोगे दो वे फंक्शन लोगे जैसे हमने ले, ले लिया साई ऑफ एम एंड साई ऑफ एन आर द टू वे फंक्शन हैविंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज सच दैट देयर इंटीग्रल ओवर द एंटायर स्पेस विल वैनिश फॉर एम नॉट इज इक्वल टू एन अब आप दो वे फंक्शन ले रहे हो साई ऑफ एम ले लिया आपने ठीक है और एक आपने एन ले लिया ठीक है ये सब्सक्रिप्ट में आपकी ये आप मतलब में आप मतलब आप वन एंड टू भी ले सकती हो अलग अलग वे फंक्शन आपको लेने हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज हैं वो इसने क्या कहा है कि डिफरेंट होनी चाहिए ठीक है आपका क्या है आप बताओगे उस चीज में कि नॉट इज इक्वल टू एंड या फिर आप वन एंड टू ले रहे हो तो आप कहोगे की वन इज नॉट इज इक्वल टू टू ठीक है दो डिफरेंट डिफरेंट वे फंक्शन आप लेके चल रहे हो अब आपको क्या करना है कि जो कोई भी इनमें से कोई भी एक वेव फंक्शन है उसमें क्या होगा इसने क्या कहा कि इंटीगल इनका वैनिश होना चाहिए वैनिश होने का मतलब क्या है कि दैट शुड बी इक्वल टू तो आप क्या कहोगे साई ऑफ एम स्टार साई ऑफ एम स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया जो आपने फर्स्ट जो साई ऑफ एम लिया था उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया एंड सेकेंड जो वेव फंक्शन आपने लिया है साई ऑफ एन वो आपने सिंपल ले लिया इज इक्वल टू डी वीज और आपके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि आप एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्चुकेट ले लो एम को एज इट इज ले लो आप इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेशन आपका क्या होना चाहिए इक्वल टू जीरो वैनिश होना चाहिए एक ही बात है ठीक है फॉर एम नॉट इज इक्वल टू एन कंडीशन लेकिन आप बताओगे कि भाई एम नॉट इज इक्वल टू एन है यहाँ पे उसके बाद फिर आप क्या कहोगे कि इसको आप दो तो तरह से लिख सकते हो कि साइयोफेन स्टार एन टू डीवीज या फिर आप कह सकते हो साइफ एन स्टार एम एन एनडीज टू जीरो ठीक है तो तो अगर इस टाइप की कंडीशन आपको मिलती है तो आप कह हो कि फंक्शन जो दिए हुए हैं वो क्या है ऑर्थोगोनल तो टू ईच अदर ठीक है तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी फॉर एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको सिंपल फॉर एग्जांपल दो वेव फंक्शन उन्होंने दे दिए तो आपको क्या करना है दोनों वेव फंक्शन लेने हैं उनमें से आप पे कोई भी एक वेव फंक्शन आप लोग की उसका आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्चुकेट लेना है दूसरे वेव फंक्शन को आप एजीज लोगे दोनों को इंटीगल सोल्व करोगे अगर वो इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आप कहोगे कि कंडीशन ऑफ ऑर्थोगिटी को वो फॉलो करता है और अगर नहीं आ रहा तो फिर आप कहोगे की कंडीशन ऑफ ऑर्थोगिटी है वो फॉलो नहीं हो रही है हमारी तो स्टूडेंट्स आज हमने किया कि वे फंक्शन क्या है तो वो एक तरह से स्क्रोडेंचियो वेव वे इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है ठीक है इरविन स्क्रोडेंच वेव वे इक्वेशन वे वे है 1926 में दी गई थी और उसके बाद फिर आप कहोगे कि भाई जो वेव फंक्शन है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसका एक्चुअल में इंडिविजुअली uh, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है लेकिन वो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन हमें देता है ठीक है कैसे देता है तो फिर आप बताओगे कि प्रॉबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल के लिए आप क्या करना है वे फंक्शन लेना है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू हमें प्रॉबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इन्फॉर्मेशन in, देगा ठीक है फिर आपको उसको इंटीग्रेट करना है जो भी स्पेस आप कंसिडर करके चल रही है और फिर आप मतलब आप कहोगे की प्रॉबेबिलिटी है वो हो क्या होती है कि मैक्सिमम होती है ठीक है फिर हमारा क्या होगा कि मतलब अगर हम साइज स्टार ओवर द इंटीगल आप लेके चल रहे हो तो दैट शुड बी इक्वल टू वन ठीक है फिर आप कहोगे कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है अगर हमारी ये प्रोबेबिलिटी है जो आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे कि साइज के डीवी ओवर एनी इंटीगल ठीक है देट शुड बी इक्वल टू वन अगर ये हमारी कंडीशन फॉलो हो जाती है मतलब राइट हैंड साइड में हमें इक्वल टू वन मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वे फंक्शन है वो क्या हमारा नोबलाइज है अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम क्या कहेंगे कि वे फंक्शन है नोबलाइज नहीं है अब अगर हमें वे फंक्शन नॉर्मलाइज वे में नहीं मिल रहा तो आपको सिंपल क्या करना है किसी कॉन्स्टेंट से उसको मल्टीप्लाई लोगे मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसका कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लेना है है उसको सेम उसी तरह से प्रोडक्ट का और जो आपका फंक्शन उन दोनों का प्रोडक्ट लेके एक ही वैल्यू फाइंड आउट करोगे अब जो नया वे फंक्शन मिलेगा उसमें आपको एक के साथ आपको वे फंक्शन जो ओरिजिनल था आपका फर्स्टली जो था उसके साथ आपने उसको क्या करना है प्रोडक्ट करना है ठीक है अब जो वे फंक्शन आपको मिलेगा वो क्या होगा नोब

है, वो हमारी हमारी नहीं हो रही, ठीक तो है? क्या है, क्या है, 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 तो जो छोटी-छोटी सी दो-तीन चीजें कि क्या 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 उसके बाद की condition क्या है, आपको हाई होप के समझ में आया होगा ठीक है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो थैंक यू वेरी मच